नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को 15 अगस्त के अवसर पर एक मनोहर तोहफा दिया है। इस तोहफे के तहत आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की आय सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 3,00,000 रुपए सालाना करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सीएम ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में प्रदेश की हर पंचायत का हिसाब किताब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रखना होगा। इससे पहले पंचायत स्तर का लेखा जोखा ग्राम सचिव ही देखता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले के गांव बकाना में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की आय सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 3,00,000 रुपए सालाना करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि एक महीने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि नई घोषणा से 8,00,000 नए परिवारों के इस योजना में शामिल होने का अनुमान है। लाभार्थी परिवार को मात्र 1,500 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज लेने वाले परिवारों की संख्या लगभग 38,00,000 होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक विशेष काउंटर लगाया गया है, जहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और परिवार पहचान पत्र के डाटा से मिलान कर मौके पर ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में नया नाम शामिल होने का प्रमाण पत्र बनाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने हाथों से लाभार्थी को देते हैं। बकाना गाँव के माया राम सैनी, नसीबो देवी, मांगाराम व अंजू बाला को मौके पर ही बनाए गए प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पृथ्वी संघ, प्रीतो, प्रेमचंद, शिकला और शक्ति को बीपीएल राशन कार्ड का भी तोहफा दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और कान की मशीनें वितरित की। मुख्यमंत्री ने इस जनसंवाद कार्यक्रम में दूसरी बड़ी घोषणा यह की कि भविष्य में पंचायतों का हिसाब किताब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रखना होगा, जबकि इससे पहले ग्राम सचिव देखता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पंचायतों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाया है, इसलिए ग्राम सचिव के साथ साथ बीडीपीओ के पास पंचायत का लेखा जोखा होना जरूरी है। अहम पहलू यह है कि उनके पास खुद प्रदेश की 6,500 पंचायतों का लेखा जोखा हर समय रहता है। सीएम ने गाँव बकाना के लोगों को ग्राम सचिवालय, लाइब्रेरी, महात्मा गांधी बस्ती में ट्यूबवेल, बिजली की तारों को ठीक करने, बकाना से पलाका तक 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण और रिपेयर करने के लिए 65,00,000 रुपए खर्च करने की घोषणा की। इसके अलावा रादौर विधानसभा क्षेत्र की 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करने की भी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से गांव बकाना को हर साल 60,00,000 रुपए का बजट विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हरियाणा ऐसी एक जन कल्याणकारी योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिससे प्रदेश में आज लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है। लोगों की आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानी भी दूर हुई है। ये आयुष्मान भारत योजना प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इससे जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा और इलाज का लाभ मिल रहा है। जो आदमी अस्वस्थ है, बीमार हो जाए, अस्पताल में उसका इलाज कराना पड़े और गरीब आदमी हो, तो क्या गरीब आदमी उसका इलाज का खर्चा उठ सकता है? क्या नहीं उठ सकता? इसलिए हमने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसे हर गरीब परिवार को 5,00,000 रुपए का बीमा करा दो फ्री में, कोई पैसा नहीं उसका, बीपीएल यानी 1,80,000 तक। ये बात भी ठीक है कि कुछ लोगों की डिमांड अब आई हुई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें, चाहे थोड़ा पैसा ही ले लें। तो हमने कहा कि भी इसका जो प्रीमियम है कंपनियों का वो 3,000 रुपया बनता है एक परिवार का, तो 1,80,000 से लेके 3,00,000 तक की जिनकी आमदन है उनको आधा प्रीमियम सिर्फ 1,500 रुपए लेकर और 5,00,000 का बीमा करा दिया जाए। तो मैं यहीं इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये योजना 1,80,000 से 3,00,000 रुपए तक जिन परिवारों की आमदन है उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना 15 अगस्त से इसको खोला जा रहा है। 1,500 रुपया जमा कराओ और 15 अगस्त के बाद वो बीमे का हकदार हो जाएगा। एक महीने में जितने लोग आएंगे, लगभग मानते चलते हैं कि 50,000 परिवार उसमें आ जाएंगे। ऐसे 50,000 परिवार आने के बाद एक महीने के बाद वो सब बीमित हो जाएंगे। पहला महीना 50,000 संख्या का रखा है कि एक साथ सब लोग आ जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जनसाधारण की समस्याएं जमीनी स्तर पर लोगों से सीधा सुनने के लिए आरंभ किए गए जनसंवाद के तहत कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में भी कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के ऐतिहासिक गांव उमरी में जनसंवाद के लिए पहुंचकर सबसे पहले गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की।
यहां पहुंचने पर गांव की सरपंच मीना कुमारी ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और नंबरदार बाबू राम ने सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने रेडक्रॉस द्वारा उपलब्ध करवाई गई व्हील चेयर और सुनने की मशीन चार व्यक्तियों को वितरित की। जनसंवाद के दौरान उमरी चौक पर लंबे रूट की बसों के ठहराव के बारे में रखी गई मांग पर मुख्यमंत्री ने महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज को निर्देश दिए कि उमरी चौक पर एक विशेष रजिस्टर रखा जाए, जिसमें दैनिक यात्री अपनी यात्रा का ब्यौरा दर्ज करें और उसी के अनुसार लंबे रूट की बसों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने उपस्थित लोगों को परिवार पहचान पत्र की महत्वता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब हर योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। यहां तक कि गांव की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 2000 रुपए की ग्रांट गांव के विकास कार्यों के लिए दी जाती है और आबादी के हिसाब से उमरी गांव में प्रत्येक वर्ष 1,82,00,000 रुपए की ग्रांट मिलेगी। केंद्र सरकार की ग्रांट इससे अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के जीवन को परेशानी मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईटी का उपयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं। समस्याओं को सुलझाकर लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के मामले में 2-2 घंटे में ही लोगों का नाम लाभार्थी की सूची में शामिल हुआ है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि समस्याएं आप लाओ, हल मनोहर लाल करेगा। उमरी गांव में आयोजित जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने गांव उमरी में 2 एकड़ में बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का नवीनीकरण करने, व्यायामशाला के लिए बजट मंजूर करने, गांव की 2.5 एकड़ फिरनी को पक्का करने, प्रजापत धर्मशाला के साथ साथ अन्य कुछ धर्मशालाओं को पक्का करने की घोषणा की। उन्होंने गांव उमरी के तालाब की खुदाई करवाने के भी निर्देश दिए। सीएम ने सरपंच और अन्य आसपास के गांवों में आए सरपंचों से मांग पत्र प्राप्त किए और मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को अवगत करवाते हुए बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अब तक 16,000 प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2600 प्रतिवेदनों से संबंधित कार्य हो चुके हैं। 11,000 पर काम जारी है, 2500 प्रतिवेदन अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि आज भी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिला स्तर पर संबंधित जो भी कार्य होंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और जो कार्य मुख्यालय स्तर के होंगे उन्हें बेहतर समन्वय के साथ करते हुए उनका निदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम एक बार फिर बुजुर्गों के लिए सार्थक सिद्ध हुआ, जब लाडवा हलके के रामशरण माजरा गांव के 5 वृद्धजनों की मौके पर ही पेंशन बन गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा हलके के रामशरण गांव माजरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के 5 बुजुर्गों ने पेंशन बनाने में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया तो सीएम ने तुरंत उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम में बनाए गए हेल्प डेस्क पर भेजा और मौके पर ही परिवार पहचान पत्र की डिटेल डालने के बाद पांचों की पेंशन शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने पांचों को बुढ़ापा पेंशन शुरू होने संबंधी सर्टिफिकेट प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन सरल बनाना है, इसी उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने का काम किया है और राम राज्य की कल्पना को धरातल पर उतारने का काम वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। सीएम ने रामशरण माजरा गांव में 2,70,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना शुरू होने के बाद अब प्रत्येक गांव को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिवर्ष ग्रांट दी जाएगी। अब राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष विकास कार्यों के लिए गांव की आबादी के हिसाब से 68,00,000 रुपए की ग्रांट मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने गांव के 4 लोगों को व्हील चेयर और सुनने की मशीन दी। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव के लोगों द्वारा रखी गई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से शिकायत संबंधी मामलों की संपूर्ण जानकारी हासिल की और उनके जल्द समाधान के आदेश दिए। एक महिला द्वारा कबूतरबाजी के मामले के संबंध में रखी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को मामले में समुचित कार्रवाई करने और पीड़ित के पैसे वापस दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के समक्ष आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के दौरान अस्पताल द्वारा पैसे मांगने की शिकायत रखी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने सीएमओ को इलाज पर खर्च हुई राशि की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 11 भर्तियां रद्द हुई, हमने हर भर्ती को पारदर्शिता से पूरा किया है। इतना ही नहीं, हमने पिछली सरकारों के विवादों का भी निपटारा किया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 50,000 युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आगे बढ़ाया है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।